नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए स्वागत करते हैं किसान। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे फिरोजाबाद व्यापारी सम्मेलन में। दिल्ली के यूपी सदन से हेलीकॉप्टर द्वारा आज फिरोजाबाद के पुलिस लाइन दबरे में। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शासन द्वारा जारी किए प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित समय पर सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन से व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए जीएसटी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम खुलकर बोले। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ समय से विपक्ष ने एक गिरोह गठित कर रखा है, जो गरीबों के आधार कार्ड लेकर जीएसटी में इस्तेमाल करके गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को जिताया है, 2024 में लोकसभा भी जिताना है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने व्यापारियों को वचनबद्ध किया तो वही सपा व कांग्रेस पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चार दिन पूर्व हुई व्यापारी के साथ घटना को लेकर डिप्टी सीएम सख्त दिखाई पड़े और तत्काल डीएमएसएसपी को कार्यवाही के निर्देश दिए। वही मीडिया ने डिप्टी सीएम से पूछा कि जयपुर में डिप्टी सीएम के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की थी हूटिंग। इस पर बोले डिप्टी सीएम, कुछ नहीं, 50 लड़के थे जो विरोधी थे। कुछ दिन पूर्व फिरोजाबाद के सिरसागंज में हुई व्यापारी के साथ घटना को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि डीएमएसएसपी को घटना से अवगत करा दिया है, तत्काल आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी। विहार के पुल गिरने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का पुल गिरा है, और ये पुल नहीं गिरा है, ये जो प्रधानमंत्री के खिलाफ पुल बना रहे थे वो पुल गिरा है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल की यह खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। जो इस देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के रास्ते निकाल रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारा सरकार के माध्यम से ये प्रयास है, लेकिन कहीं किसी व्यापारी का उत्पीड़न कोई करे, जो अधिकारी जीएसटी से जुड़े हैं वो सुन ले, जांच करके सच को बताना इसकी छूट है, लेकिन किसी को जो सही व्यापारी है उसको परेशान करना इसकी छूट नहीं है। आप चिंता मत करो, हमारा वही लक्ष्य है, हम व्यापारी नहीं, भारतीय हर नागरिक को सम्मान दिलाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में। तो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।